बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमाजी और शैतान का वाक्या। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वह दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वह फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मरतबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतज़ार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने बोला, सच बताऊं तो मैं इबलीस हूं। नमाजी की तो हैरत की इंतहा ना रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इबलीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो उस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इबलीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पे खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इबलीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बख्श दिया, जिस पर मुझे फ़िक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांव की मगफरत न फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम बग़ैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान, सुभान अल्लाह।